ऐसा माना जाता है कि वाल्मीकि जी एक डाकू थे। उनके पिता का नाम प्रेचता था और उनकी माता का नाम चरननी था और उनका एक भाई भी था जिनका नाम भुगु था। बचपन में उन्हें एक भील प्रजाति का आदमी चुरा के लेके चला गया। उस समय भील प्रजाति डाकुओं की प्रजाति हुआ करती थी और उनका पालन पोषण भील प्रजाति के लोगों ने ही किया, इसीलिए वो जब बड़े हुए तो वो भी एक डाकू ही बने। उस समय उनका नाम रत्नाकर पड़ा। उन्होंने उस समय बहुत सारे लोगों को लूटा था और उनकी हत्या भी की थी। तो एक बार जब वो जंगल के पेड़ पे छुपे हुए थे तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। फिर उन्होंने नारद मुनि जी को बंदी बना लिया। नारद मुनि जी ने उनसे पूछा कि तुम ऐसा कर क्यों रहे हो, तो जवाब में उन्होंने कहा अपने कुल के लिए। नारद मुनि जी ने कहा कि तुम जो ये सब अपने कुल के लिए कर रहे हो तो क्या तुम्हारे कुल वाले तुम्हारे पापों के कर्मों में साथ देंगे। यही सुनने के बाद उनकी मानसिकता परिवर्तित हो गई और वो एक बहुत ज्ञानी ऋषि बन गए।